Vidyalaya in Motibagh. We can see if you can get an audio there with a ceremonial welcome there by those tiny tots there. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत दौरे पर आई उनकी पत्नी मेलानिया मंगलवार दोपहर दिल्ली के सर्वोदय को एंड स्कूल पहुंची। उनके स्वागत के लिए स्कूल को फूलों और रंगोली से सजाया गया था। अमेरिका की प्रथम महिला जैसे ही यहां पहुंची, बच्चों के बैंड ने स्वागत धुन बजाई, टीका लगाकर माला भी पहनाई गई। इसके बाद वो स्कूल की हैप्पीनेस क्लास पहुंची, यहां उन्होंने द्वीप प्रज्वलित किया। ज़्यादातर बच्चियां पारंपरिक घाघरा चोली पहने थीं, हालांकि कुछ बच्चे स्कूली यूनिफॉर्म में भी थे। इस दौरान वो बच्चों को वहां की टीचिंग स्टाफ से घुलती मिलती नज़र आई। गुलाबी लहंगे में स्वागत करने तैयार एक बच्ची से तो मेलानिया काफ़ी देर तक बातचीत करती दिखी। मेलानिया को यादगार के तौर पर मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट की गई। स्कूल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। नमस्ते, यह मेरा पहला भारत दौरा है दोस्तों, मेलानिया ने कहा। मैं शब्दों का चयन नहीं कर सकती, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और दयालु हैं। मैं और राष्ट्रपति यहाँ आकर खुश हैं। सर्वोदय का अर्थ है सबके लिए समृद्धि और उन्नति। यहाँ टीचर्स की मेहनत और बच्चों का समर्पण और लगन साफ नज़र आता है। यह बहुत शानदार स्कूल है। मैंने हैप्पीनेस क्लास में पाठ्यक्रम का जायजा लिया। ऐसे कार्यक्रम दुनिया के प्रेरणा बन सकते हैं। हमारे बेहतरीन स्वागत के लिए आपका शुक्रिया। सुरक्षा कारणों से इस स्कूल का नाम पहले सार्वजनिक नहीं किया गया था। कार्यक्रम को लेकर विवाद भी हो गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। रविवार को अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा था, हमें इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी पर कोई आपत्ति नहीं है। हम उनकी इस समझ के लिए सराहना करते हैं कि यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। इसका मकसद शिक्षा, स्कूल और छात्रों के बारे में सोचना है। बहरहाल केजरीवाल ने मेलानिया के स्कूल के दौरे से पहले ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, आज दिल्ली के शिक्षकों, छात्रों और दिल्लीवासियों के लिए बड़ा दिन है। मेलानिया हमारे स्कूल से हैप्पीनेस का संदेश लेकर जाएंगी।